नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। वन बुल्ढाना मिशन के संस्थापक संदीप शेलके के मार्गदर्शन में शुरू हुई परिवर्तन रथ यात्रा 22 फरवरी से संग्रामपुर तालुका में दाखिल हुई है। इस परिवर्तन यात्रा को संग्रामपुर तालुका वासियों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। संग्रामपुर तालुका में 4 दिनों में यह परिवर्तन रथ 70 गाँव तक पहुंचेगी। संदीप शेलके जनता से संवाद कर इस क्षेत्र की समस्याएं जानेंगे। बुल्ढाना लोकसभा के प्रबल दावेदार संदीप शेलके ने अपना प्रचार शुरू किया है, जिसमें संग्रामपुर साई होटल पर उन्होंने महिला मेलावा का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं सांसद बनता हूं तो सबसे पहले महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। हर महिला को अपने पैर पर खड़े रहने के लिए सरकारी लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप परिवर्तन करो, मैं बुल्ढाना जिले की सबसे अलग पहचान बनाऊंगा। आज से 3 दिन तक संदीप शेलके संग्रामपुर तालुका में रहकर अपना प्रचार करेंगे। महिला मिलावा में संदीप दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं की घोषणा दी गई। इस परिवर्तन रथ यात्रा को संग्रामपुर में भारी प्रतिसाद मिल रहा है, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि संदीप शेलके खासदार प्रताप राव जाधव को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। सियासी जानकार बता रहे हैं कि खासदार जाधव को बुल्ढाना में हराना है तो संदीप शेलके को विरोधी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। तर कापसाला सोयाबीनला भाव नाही, येलो मोतियाची नुकसान भरपाई नाही, अतिवृष्टी असेल, अवकाळी असेल, पीक विम्याचा विषय असेल, अनेक प्रश्न सरकारनं घोळत ठेवलेले आहेत, प्रलंबित आहेत। तर आणि जर जिल्ह्याचंच बोलायला झालं तर आमचा शेतकरी अक्षरशः देशोधडीला लागण्याची आज परिस्थिती आहे, आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभा आहे। कापसाला 6,000 आणि सोयाबीनला 4,000 भाव या ठिकाणी देत आहेत। संत्रा सोनाळ्याचा जो भाग आहे, संत्रा उत्पादक परिसर आहे, तर आज निर्यातीच्या धोरणामुळं म्हणजे बांगलादेशनं त्या ठिकाणी आयात कर लावल्यामुळं आज आमच्या संत्रा उत्पादक शेतकऱ्याचं सुद्धा मोठं नुकसान होतं आहे। त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की सरकारनं शेतीमालासंदर्भात, भावाच्या संदर्भात, आयात निर्यातीच्या संदर्भात योग्य ते धोरणं आखले पाहिजे आणि इथल्या लोकप्रतिनिधींनी विधानभवनामध्ये संसदेत आवाज उठून तशा पद्धतीचे धोरणं सरकारकडून तयार करून घेतले पाहिजे। आणि ते जर होत नसेल तर जनतेमध्ये जाऊन आम्ही हा लढा उभारतो आहोत की हा फक्त जिल्हा विकासाचा लढा नाही आहे, तर शेतकऱ्यांनी आता आपल्या प्रश्नावर आवाज उठवण्याची वेळ आहे, अशी सुद्धा माझी भूमिका आहे।